बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि एक रात उनकी तहज्जुद की नमाज कजा हो गई। उन्होंने उसके अफसोस की वजह से सुबह उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। कुछ दिनों के बाद फिर वो रात को सोए हुए थे। उस रात बहुत ज्यादा थकावट थी। तहज्जुद की नमाज कजा होने का वक्त करीब था। कोई आदमी आया और उन्हें पकड़ कर जगाया और कहने लगा, जी आप उठें और जल्दी से नमाज पढ़ लें, तहज्जुद का वक्त जा रहा है। ये बुजुर्ग उठ बैठे और कहने लगे, तू तो मेरा बड़ा चाहने वाला है कि ऐन वक्त पर जगा दिया, तुम्हारी मेहरबानी, ये तो बता दे कि तू है कौन। वो कहने लगा कि मैं शैतान हूँ। उन्होंने कहा, शैतान तो किसी को तहज्जुद के लिए नहीं जगाता, तूने मुझे कैसे जगा दिया, तुम तो किसी का भला नहीं चाहते। वो कहने लगा, मैं आपका भला आज भी नहीं जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए और फरमाने लगे कि तूने मुझे तहज्जुद के लिए जगाया और कह रहा है मैं भला नहीं जा रहा। वो मर्दूद कहने लगा, वजह यह है कि जब आपकी पहली तहज्जुद की नमाज कजा हुई थी तो उस वक्त आप इतना रोए थे कि आपको उस रोने पर इतना अज्र मिला कि सालों की तहज्जुद पर भी इतना अज्र नहीं मिल सकता था। आप आज भी सो गए थे, तहज्जुद का वक्त जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर आप आज भी इतना रोए तो आपको आज फिर उतना अज्र मिल जाएगा, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आपको जगा दूं ताकि आपको सिर्फ रात की तहज्जुद का अज्र मिले। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला को हमारी माफ़ी बेहद पसंद है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है और तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उसकी नेकियों से बदल देता है, जिसकी वजह से शैतान उससे हमेशा डरता रहता है। नाज़रीन इकराम, शैतान के पास बहुत सारे दाव हैं। ये शैतान का नूरानी दाव होता है। इस दाव का इस्तेमाल शैतान तब करता है जब वो चाहता है कि बंदे को ज़्यादा नेकियाँ ना मिले। इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इब्लीस के मकर और उसके शर से महफूज अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में हमें याद ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।